सियासी खींचतान के बीच जयपुर दौरे पर माकन, गहलोत और पायलट खेमे से करेंगे मुलाकात। राजस्थान में सियासी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट में सियासी घमासान जारी है। लंबे समय से चल रही बयानबाजी का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी दोनों के बीच की दूरी खत्म करने में कामयाब होते नहीं दिख रहे हैं और इसी के चलते अब राजस्थान के प्रभारी अजय माकन जयपुर दौरे पर हैं। वैसे तो औपचारिक तौर पर उनका दौरा देश के पदाधिकारियों की बैठक लेने का है, लेकिन ये बात भी निकल कर सामने आ रही है कि माकन के दौरे को देखते हुए गहलोत और पायलट खेमा सक्रिय हो गए है। पीसीसी चीफ के साथ लेंगे अधिकारियों की बैठक। प्रदेश प्रभारी अजय माकन प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी और अग्रिम संगठनों के प्रमुखों की बैठक लेंगे। इसके साथ ही वो 7 जुलाई से मोदी सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर किए जाने वाले आंदोलन की तैयारी देखेंगे और पदाधिकारियों को भी दिशा निर्देश देंगे। आपको बता दें कि अजय माकन 3 महीने बाद प्रदेश के दौरे पर आए हैं। इससे पहले 3 अप्रैल को विधानसभा उपचुनाव के दौरान माकन राजस्थान आए थे। दोनों खेमों से मिलेंगे प्रदेश प्रभारी। बताया जा रहा है कि अजय माकन अपने इस दौरे के दौरान गहलोत और पायलट खेमे के नेताओं से मिलेंगे। माकन के इस दौरे का पायलट खेमा लंबे समय से इंतजार कर रहा है। बीते कुछ दिन पहले ही पायलट खेमे में कई विधायक दिल्ली में अजय माकन से मुलाकात करने भी पहुंचे थे, जहां माकन ने उनकी समस्याओं को सुना था। लेकिन अब जब माकन प्रदेश के दौरे पर आए हैं तो पायलट खेमा अपनी पूरी नाराजगी उनके सामने बयां करेगा। गहलोत पहले ही चल चुके हैं चाल। एक ओर जहां अजय माकन राजस्थान के दौरे पर पहुंचे हैं, तो दूसरी ओर अजय माकन के राजस्थान पहुंचने से पहले ही रघु शर्मा माकन से मिलने दिल्ली पहुंचे थे, जिसके बाद से ही राजनीतिक हलकों में चिकित्सा मंत्री का दिल्ली दौरा चर्चा में है। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पहले ही पता था कि अजय माकन प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, तो ऐसे में रघु शर्मा को दिल्ली क्यों भेजा गया? ये सवाल अपने आप में तब और भी पेचीदा हो जाता है जब प्रदेश में गहलोत और पायलट खेमे के बीच सियासी जंग छिड़ी हो। बताया जा रहा है कि रघु शर्मा का दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री गहलोत खेमे की ओर से अचानक तय किया गया था। वहीं दिल्ली में रघु शर्मा ने संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और कोषाध्यक्ष पवन बंसल से भी मुलाकात की थी। मंत्रिमंडल विस्तार का विधायक रखेंगे प्रस्ताव। अब जब माकन प्रदेश के दौरे पर आ ही गए हैं, तो भला बसपा से कांग्रेस में आए विधायक उनसे मिलने की पेशकश ना करें, ये भी हो नहीं सकता। बताया जा रहा है कि माकन से बसपा से कांग्रेस में आए विधायक और निर्दलीय विधायक भी मिलेंगे और जल्द ही राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार में खुद को शामिल करने की मांग करेंगे। विधायक पहले भी इस मांग को रख चुके हैं, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई पहल नहीं हुई है। लिहाजा अब माकन के दौरे पर ही सभी की आस टिकी हुई है। एक और गहलोत और पायलट खेमा अपनी रणनीति तैयार किए बैठे हैं, तो दूसरी ओर बसपा विधायक अपनी बात भी प्रदेश प्रभारी के समक्ष रखेंगे। बहरहाल प्रभारी माकन मंगलवार रात को जयपुर में ही रुकेंगे और अगले दिन यानी 7 जुलाई को दोपहर 1:55 पर दिल्ली लौट जाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए डेस्क से पंकज पांडे की रिपोर्ट।